तस्वीरों में दिख रहा है ये महिला लगभग गर्दन तक इस दलदल में फंस गई है और इसे जेसीबी के सहारे बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये महिला किसी कीचड़ के दलदल में नहीं बल्कि सड़क बनाने के लिए उपयोग होने वाले फ्लाई ऐश यानी राख के दलदल में फंस गई है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। दरअसल ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं बालाघाट जिले से। यहां गोंदिया से बालाघाट तक बन रहे नेशनल हाईवे का निर्माण जारी है। बुधवार शाम को खेत जा रही एक महिला निर्माण के लिए बिछाई गई इस दलदली फ्लाई ऐश में समा गई। मौके पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने जेसीबी की मशीन की मदद से महिला को खींचकर बाहर निकाला, जिसके बाद उसकी जान बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि अगर सही समय पर कर्मचारी ना पहुंचते तो बड़ी घटना हो सकती थी। इस घटना के संज्ञान में आने के बाद हमारे संवाददाता ने एसडीएम गोपाल सोनी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस मामले में संबंधित निर्माण एजेंसी और एनएचएआई के उपयंत्री को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही समस्त सुरक्षात्मक उपायों के साथ ही निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि अर्थवर्क के लिए फ्लाई ऐश यानी राखड़ बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद उसे रोलर मशीन से दबाने का कार्य किया जाना था, लेकिन कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद तेज बारिश के चलते फ्लाई ऐश दलदल में तब्दील हो गई और ये घटना हो गई। फिलहाल तो एसडीएम ने नोटिस जारी कर अधिकारियों से जवाब मांगा है, पर महिला का यह दलदल में फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बालाघाट से अतुल वैद्य की रिपोर्ट, एमपी तक।